हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्लिंग स्पार्कल। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। सारी ज्वेलरी में जो सबसे मोस्ट लव्ड ट्रेंड है वो है झुमका ट्रेंड। आप चाहे कुछ ना पहने, बैंगल स्किप कर दें, कड़ा स्किप कर दें, नेकलेस स्किप कर दें, लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट झुमका पहनेंगे तो आपका जो साड़ी का होल लुक रहेगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। क्योंकि हम लोग कोल यानी काजल पहनते हैं हमारी साड़ीज के साथ, तो उसके साथ सिल्वर जो झुमकेस रहते हैं, बिग ह्यूज ऑक्सीडाइज झुमका या सिल्वर झुमका या पर्ल झुमका आप ले लो या फिर मिरर वाले झुमका, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आपके साड़ीज के साथ। चाहे वो आपकी सिल्क साड़ी हो, चाहे वो मिरर साड़ी हो, चाहे वो आपकी सेक्विन साड़ी हो या फिर कॉटन साड़ी हो, सबसे जो अच्छी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या फिर सिल्क ज्वेलरी या फिर ये स्टेटमेंट ज्वेलरी बोल्ड झुमकास सबसे अच्छे लगते हैं हमारे प्रिंटेड साड़ीज और कॉटन साड़ीज के साथ। आप अगर आपके डेली वेयर पे जो पे आप ज़्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं करती हैं पहनना, तो सिर्फ आप स्टेटमेंट झुमकास पहन लें तो बस आपका फुल लुक कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात ये जो है कि आप लिनन साड़ी पहन रहे हैं जो प्लेन रहते हैं तो कॉटन मटेरियल में, तो आप इस तरह के इंट्रिकेट झुमका सिर्फ झुमके के साथ ये जो मिरर लगा होता है या फिर इंट्रिकेट वर्क हुआ रखा होता है, पीकॉक वर्क या फिर इस तरह का ब्लू सफायर या फिर कुछ कलर दिया गया हो, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह के मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन आपको स्टोर्स में मिल जाएंगे। गोल्ड झुमके तो आप पहनते ही हैं, गोल्ड एक यूनिवर्सल कलर है, लेकिन आप सिल्वर झुमकों को ज़रूर ट्राई करें। सिल्वर ऑक्सीडाइज झुमका बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ऑल्सो अगर आपने रेड साड़ी पहनी है तो भी आप उसके साथ गोल्ड के सिवाय आप सिल्वर या ऑक्सीडाइज झुमके पहन सकते हैं, लेकिन झुमका विद पर्ल्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पर्ल्स के साथ कलर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, इस तरह का के आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन आप लाइट वेट चूज़ करें। और एक जो टिप है कि आप फंक्शन में रीच करने के बाद ही इसको पहने, तो फिर आपका जो ईयर्स रहेंगे वो पेन नहीं करेंगे। होप यू लाइक।